example 4. Example 4 में if y is equal to root x plus 1 upon root x, if y is equal to root x plus 1 upon root x, prove that y is equal to root x plus 1 upon root x, prove that 2x dy by dx plus y is equal to root x. y is equal to root x plus 1 upon root x. अब आप ये देखिएगा कि ये मुझे दे रखा है तो dy by dx जो भी मुझे प्रूव करना है उसमें dy by dx मुझे चाहिए. तो dy by dx का मतलब क्या है कि जो y है उसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन नंबर वन अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो dy by dx इज इक्वल टू रूट एक्स. जब मैं रूट एक्स की बात करता हूं तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1 अपॉन 2. तो चाहे तो इसको ऐसे लिख लो आप x की पावर 1 अपॉन 2, रूट एक्स का मतलब ये है. फिर अपॉन में रूट एक्स है तो इसका मतलब ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1 अपॉन 2. x की पावर माइनस 1 अपॉन 2 ये हो गया. अब dy by dx is equal to, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर 1 अपॉन 2 का हो जाएगा 1 अपॉन 2 x की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 x की पावर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. ये हो गया. यहां तक बता दीजिए समझ में आ गया कि नहीं. x की पावर n का जो डिफरेंशियल होता है, x की पावर n का डिफरेंशियल होता है n x की पावर n माइनस 1. तो ये जो रूट एक्स है, अंडर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1 बाई 2. तो रूट एक्स का मतलब हो गया x की पावर 1 बाई 2. इसी तरह से जो डिनोमिनेटर में रूट एक्स है इसका मतलब हो जाएगा, डिनोमिनेटर में रूट एक्स जो है इसका मतलब हो जाएगा एक्स की पावर 1 अपॉन 2. तो जब ये न्यूमरेटर में आ जाएगा तो एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2 बन जाएगा. तो ये एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2 हो गया. ठीक है, फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1, और जब इसको करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. बताइए क्लियर है? क्लियर है? दोबारा बता रहा हूं, जब हम ये कहते हैं कहीं पर भी x की पावर n है तो x की पावर n का डिफरेंशियल होता है n x की पावर n माइनस 1. x की पावर n का मतलब है n x की पावर n माइनस 1. ये हो गया. तो अगर x की पावर 1 बाई 2 है तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन 2 x की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1, क्योंकि यहां पर n मेरे लिए क्या हो गया 1 बाई 2 हो गया, 1 अपॉन 2 x की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1. ठीक है, और x की पावर माइनस 1 बाई 2 ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 x की पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1. बोलो समझ गए? ठीक है, चलता हूं फिर. 1 अपॉन 2 x की पावर, हाँ जी आवाज ना थोड़ी कट कट के आ रही है, बताओ बोलो. आ रहा बोलो. ठीक है सर. ओके
वन अपॉन टू एक्स की पावर वन अपॉन टू माइनस वन, वन अपॉन टू माइनस वन इज माइनस वन बाई टू, और प्लस माइनस माइनस वन बाई टू, एक्स की पावर माइनस वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, ये कितना हो जाएगा माइनस का थ्री बाई टू। माइनस का थ्री बाई टू। अब क्या करें, ये जो dy by dx है इधर भी 1 upon 2 है इधर भी 1 upon 2 है, तो 1 upon 2 ले लिया कॉमन, ये बचा x की पावर माइनस 1 by 2, तो ये हो जाएगा 1 upon x की पावर 1 by 2 माइनस, ये नीचे आकर हो जाएगा 1 upon x की पावर 3 by 2, ये हो गया। ठीक है, तो फिर क्या किया जाए देखते हैं। ये हो गया dy by dx, dy by dx is equal to 1 upon 2 x की पावर 1 upon x की पावर 1 by 2, एक मिनट वेट करना आ रहा हूं। हेलो, हाँ जी नमस्कार सर, जी मैं ठीक हूँ सर, मैं 15-20 मिनट में करूँ फ्री होकर फोन। हाँ सर निकल चुका, उसको हो गया 9 बजे ही निकल गए थे। हाँ जी, हाँ जी मैं करता हूँ सर अभी फ्री होकर। फिर ये x की पावर 1 बाई टू माइनस जो ये है x की पावर 3 बाई टू, इसको बोलेंगे x की पावर 1 बाई टू की पावर 3। ये बता दो ये समझ में आया कि नहीं, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x की पावर 1 बाई टू की पावर 3 ऐसे लिख दिया। यस सर, तो पता है। ठीक है, चलिए तो अब dy by dx is equal to 1 upon 2 और x की पावर 1 बाई टू को हम बोलते हैं रूट एक्स, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स की पावर 3 है, तो ये क्या हो गया रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ये हो गया। तो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है इधर भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स है, इधर भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स में कॉमन निकाल सकता हूँ। लेकिन उसको नहीं निकालते हुए कुछ और करते हैं, एक मिनट रुकना आ रहा बस। ओके सर, Thank you.
जैसे ये 1/2 है तो इधर डिनोमिनेटर में 2 है, इधर न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 dy by dx ये हो गया, इज इक्वल टू 1/√x ये बन गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये 2 dy/dx तो मिल गया, मुझे x और लेकर आना है, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे ये करना है कि 2x dy/dx है ना, तो मुझे x और लेकर आना है, तो 2 dy/dx इज इक्वल टू 1/√x माइनस 1/(x√x). अब कई बार ऐसा होता है कि मुझे x वाला टर्म मिल नहीं गया है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं अगर चाहूँ कि यहाँ से अच्छा वैसे अगर कॉमन ले, अगर डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया जाए तो बात बन सकती है ना, लेकिन x√x नहीं बनेगी। तो एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर दोनों तरफ अपनी तरफ से ही हम दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x, तो 2x dy/dx is equal to x into 1/√x minus 1/(x√x). मुझे करना क्या है, मुझे dy/dx के साथ में 2x चाहिए, इस वजह से मैंने इधर भी और इधर भी दोनों तरफ मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, शायद समझ में आ गया होगा क्या करा सर। हाँ समझ गए ना, अब क्या करेंगे, अब इसको अंदर ले जाते हैं, तो 2x dy/dx, अब इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया x/√x माइनस x/(x√x). अब जब इससे इसको काटेंगे तो ऊपर रूट एक्स रह जाएगा, ये समझते हैं, Yes, sir. ये समझते हैं, ठीक है, x से x कर दिया। अब 2x dy/dx is equal to √x minus 1/√x, √x minus 1/√x, तो √x minus 1/√x का मतलब क्या हुआ, हमें y भी चाहिए यहाँ पर, ठीक, तो ये कहेंगे कि adding y on both sides, adding adding y on both sides, so 2x dy/dx plus y, 2x dy/dx plus y is equal to y plus √x minus 1/√x, so 2x dy/dx plus y is equal to, अब y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है √x plus 1/√x, y की वैल्यू है √x plus 1/√x, और इधर क्या है पहले से √x minus 1/√x, minus 1/√x plus 1/√x cancel out हो गया, 2x dy/dx plus y is equal to √x plus √x, कितना हो गया 2√x, ठीक है, यही चीज प्रूव करनी है, यही चीज प्रूव करनी थी, बताइए क्लियर है, ठीक है सर। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल है इफ y इज इक्वल टू √x/a, इफ y इज इक्वल टू √x/a प्लस √a/x,
plus under root a upon x, comma, prove that xy dy by dx is equal to x upon a minus a upon x. तो y is equal to under root x upon a ये दे रखा है। इसको क्या करेंगे? इसको ऐसे लिखा जा सकता है root x upon root a। या तो ऐसे करो, या dy by dx मेरे को चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, एक काम करते हैं। ऐसे मत करो, ऐसे करने से लंबा पड़ सकता है। तो ये हो गया y is equal to, इसको ऐसे लिखते हैं x upon a की पावर 1 by 2 प्लस a upon x की पावर 1 by 2। तो अब क्या करें? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy by dx क्या हो गया? 1 upon 2 x upon a की पावर 1 upon 2 minus 1, x upon a की पावर 1 upon 2 minus 1। ये समझ में आ गया? Yes sir। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? अलग तरीके से करता हूँ इसको। इसको क्या करो, ऐसे लिख सकते हैं कि x की पावर 1 by 2 अपॉन a की पावर 1 by 2 प्लस a की पावर 1 by 2 अपॉन x की पावर 1 by 2। 1 अपॉन a की पावर 1 by 2 as it is into x की पावर 1 by 2 प्लस a की पावर 1 by 2, और ये जो x की पावर 1 by 2 है ये ऊपर आकर हो जाएगा x की पावर minus 1 by 2। अब करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब क्या हो जाएगा? ये हो गया भाई dy by dx is equal to 1 upon a, क्या है? a कांस्टेंट है, तो 1 upon a की पावर 1 by 2 ये लिखा रहने तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x की पावर 1 by 2 का हो जाएगा 1 upon 2 x की पावर 1 upon 2 minus 1, वैसे ही जैसे यहाँ पर करा था। x की पावर 1 by 2 का x की पावर 1 by 2 1 upon 2 x की पावर 1 by 2 minus 1, ठीक है, प्लस a की पावर 1 by 2 will remain as it is, और ये हो जाएगा minus 1 by 2 x की पावर minus 1 by 2 minus 1। dy by dx is equal to 1 upon a की पावर 1 by 2 half x की पावर minus 1 by 2 प्लस a की पावर 1 by 2 प्लस नहीं
माइनस माइनस हाफ ए की पावर 1 बाई टू और एक्स की पावर माइनस 3 बाई टू। अब यहाँ से ये जो dy बाई डी एक्स है, यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप हाफ ले लेंगे कॉमन, हाफ कॉमन ले लिए तो ये बचा 1 अपॉन ए की पावर 1 बाई टू, 1 अपॉन ए की पावर 1 बाई टू मतलब 1 अपॉन रूट है, x की पावर माइनस 1 बाई टू डिनोमिनेटर में आकर क्या हो गया x की पावर 1 बाई टू, माइनस ए की पावर 1 बाई टू का मतलब है रूट ए, और x की पावर माइनस 3 बाई टू का मतलब है x की पावर डिनोमिनेटर में आकर प्लस का 3 बाई टू। अब इस 2 को इधर ले आओ, बीच में माइनस का साइन रूट ए, और ये जो एक्स की पावर 3 बाई टू है इसको मैं पहले भी देख चुका हूँ, ये हो जाएगा एक्स रूट एक्स, ठीक है। इतना हमने कर लिया, लेकिन अब जो है प्रूफ में मेरे को लेकर आना है 2xy dy/dx, लेकिन 2dy/dx है तो अब मैं क्या करूँगा, एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स वाई से, 2xy dy/dx is equal to, दोनों तरफ xy से मल्टीप्लाई करा। अब क्या करो कि y को तो एज इट इज छोड़ो और x को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो x अपॉन रूट ए इंटू रूट एक्स माइनस x इंटू रूट ए अपॉन x रूट एक्स। यहां तक समझ गए कि नहीं बताओ, बताइए, ठीक है। मैंने दोनों तरफ x y से मल्टीप्लाई कर दिया, अब y को अभी बाहर ही छोड़ा और x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे y को भी कर सकते थे पर अभी नहीं कर रहा हूं कुछ सोचकर। अब इस रूट x से ये कटा तो यहां पर रूट x आ गया, इस x से ये x कट गया, 2xy dy/dx। अब y की जो वैल्यू है ओरिजिनल वो डालेंगे, रूट x अपॉन ए को मैं तोड़कर ऐसे लिख सकता हूँ, ये छोड़ो जैसा है वैसे ही लिखते हैं, रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट ए अपॉन एक्स, तो ये तो वाई की वैल्यू हो गई, और ये रूट एक्स अपॉन रूट ए, ये क्या हो जाएगा रूट एक्स अपॉन ए, और ये हो जाएगा रूट ए अपॉन एक्स, तो 2xy dy/dx। अब आप समझ गए होंगे ये क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट एक्स बाई ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स बाई ए, माइनस रूट ए बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ ए बाई एक्स, ये हो गया प्रूफ। बताइए समझ गए कि नहीं, ठीक है। अब भाई इतना ही कर रहे हैं आप, वो जो चार क्वेश्चंस दिए हैं वो चार क्वेश्चंस एटलीस्ट मेरे को दो क्वेश्चन तो करके भेजो, वो करके, हाँ वो करके भेजिए आप, ठीक है। हाँ इतना ही करेंगे और कोशिश करूँगी, मतलब आप टाइमली ही ज्वाइन कर लिया करो, नहीं तो ना लेट हो जाता है, कम टाइम बचता है फिर।